नमस्ते, मैं बीना वारिया गीता इंजीनियरिंग की यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एग्रीकल्चर की जीएसटी प्रोडक्ट के होय के बारे में बात करना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, होय होता क्या है, होय का यूज कहाँ पे होता है? तो इसका जो यूज है वो जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कंस्ट्रक्शन के लिए इसका यूज होता जाता है। तो मैं आपको होय के बारे में ज्यादा जानकारी डिटेल्स में देना चाहती हूँ। तो ये जो होय है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमारे तीन प्रकार के होय मार्केट में अवेलेबल है। एक है हमारा बेल्डेड होय, एक है हमारा रिंग होय और तीसरा है हमारा एसएस होय। मैं आपको सबके बारे में एक एक करके ज्यादा डिटेल्स में जानकारी देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जिसके बारे में बात करती हूँ वो है हमारा जो है वो है हमारा बेल्डेड होय। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन है कि इसको बेल्डेड क्यों बोलते हैं। तो जो बेल्डेड होय है इसका जो भाग देख रहे हैं वो अलग से बेल्डेड करके इसमें जुड़ा जाता है, जिसकी वजह से इसको बेल्डेड होय बोलते हैं। प्लस आप जानना चाहते हैं कि इसका मटेरियल किस से बना है, तो ये एमएस मटेरियल से बना हुआ होय है जो ज्यादा ही टिकाऊ और मजबूत माना जाता है। प्लस इसमें आपको दो अवेलेबल साइज मिल सकती है हमारे जीएसटी ब्रांड की। एक जो है वो 8 से 11 इंच की साइज है और दूसरी जो है वो 9 से 12 इंच की साइज है। तो जो 8 से 11 इंच की साइज जो है वो आपको 1.100 केजी के हिसाब से ये वेल्डेड हुआ आएगा, और दूसरी जो है वो 9 से 12 इंच की, उसका वेट जो है वो आपको एक ब्रॉक्स 1.400 केजी के हिसाब से आएगा। अब मैंने आपको वेल्डेड होय के बारे में सारी बात बता दी। इसके दो साइज अवेलेबल है, एएमएस मटेरियल से बना हुआ है। प्लस इसकी जो मैंने आपको वेट सब कुछ मैंने आपको डिटेल्स में दी। अब आप जानना चाहते हैं रिंग होय के बारे में कि रिंग होय क्या है। तो मैं आपको ये जो दिखा रही हूं हमारा वो है रिंग होय। फ्रेंड्स, रिंग होय इसको रिंग क्यों बोला जाए, रिंग होय क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो हमने आपको मैन्युफैक्चर करके दिया है वो रिंग जैसा भाग है, जिसकी वजह से इसको रिंग होय बोला जाता है। प्लस इसको रिमट होय भी बोलते हैं। पता है क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इसके अंदर ये तीन जो हमने रिवर्ट बना के आपको जो है आपके सामने मार्केट में प्रोडक्ट हमने रखी है, ये रिंग होय को रिवर्ट होय बोलते हैं। रिवर्ट के हिसाब से कभी टूटे टिका फूटेगा नहीं और आपके लिए ज्यादा काम करके देगा, जिसकी वजह से हमारा जीएसटी ब्रांड का जो है रिंग होय है वो भी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है। प्लस ये जो है वो एमएस मटेरियल से बना हुआ रहता है। एमएस मटेरियल ज्यादा फायदेमंद रहता है फ्रेंड्स, ज्यादा टिकाऊ रहता है। इसको भी हमने एमएस मटेरियल से रेडी किया हुआ होता है। प्लस आप जानना चाहते हैं कि इसकी साइज क्या है, तो ये आपको 7-12 इंच की साइज मिलती है। प्लस इसका वेट जो है वो आपको 1.115 केजी के हिसाब से रहेगा। अब आपने रिंग होय के बारे में जान लिया, अब आपने बेल्डेड होय के बारे में जान लिया, अब आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं एसएस होय के बारे में। तो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ हमारा जीएसटी ब्रांड का एसएस होय। अब हम देखते हैं कि इसको एसएस होय का क्या फायदा है। पहले एसएस इसमें कभी भी इसमें कोई भी प्रकार का जंग नहीं लगेगा, आप परचेस करो और बार बार यूज करो, इसके लिए ज्यादा फायदा है। प्लस हमने रिवर्ट डाल के इसको बनाया है तो ये भी टूटेगा फूटेगा नहीं, इसके लिए एसएस आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। जैसे रिंग होय फायदेमंद है, वेल्डेड होय फायदेमंद है, वैसे एसएस भी ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब हम बात करते हैं एसएस होय के उसकी साइज क्या है, तो वो आपको 7-12 इंच की इसकी साइज रहेगी। प्लस इसका जो वेट है वो 1.100 केजी के करते इसका वेट रहेगा। मैंने आपको यूज भी बता दिया, इन सब की साइज भी बता दी, इन सब का वेट भी बता दिया। एसएस का मटेरियल मैंने आपको बताया वो एसएस 202 से बना हुआ है। एसएस होय जो हमारा है वो जो आपके लिए एसएस 202 का मटेरियल ज्यादा फायदेमंद और टिका माना गया है मार्केट में, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप सब इंतजार कर रहे हैं कि इसका जो है वो पैकिंग क्या है, क्योंकि आप सबको काफी इंतजार है कि कब ये होय आपके पास आए और कब आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका जो पैकिंग है फ्रेंड्स वो ये वेल्डेड होय और ये रिंग होय जो मैंने आपको दो दिखाए और इसके बारे में डिटेल्स दी, इसका 40 इसका पैकिंग रहता है। और ये जो हमारा एसएस होय है ना, जिसका आपको रेट है वो आपको 25 पीस की एक बैग आती है। सो आप सबको आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। प्लस आप कुछ और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट है www.geetaenji.com पे लॉगिन कर सकते हैं। प्लस आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर